गुड मॉर्निंग बॉयज, मैं संजीव कुमार झा अपने YouTube चैनल प्रियदर्शनी करियर पॉइंट से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आइए आज का कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। हम पहले क्वेश्चन की बात करें तो 1/2 जोड़ 1/3 घटाओ 1/4 घटाओ 1/2 घटाओ 1/3 जोड़ 1/4 जोड़ 1/2 जोड़ 1/3 घटाओ 1/4 घटाओ 1/2 ...... के 46 पदों का मान कितना होगा, नेट 46 टर्म्स का मान कितना होगा, 46 पदों का मान कितना होगा। आइए देखते हैं क्या ये छह टर्म 1, 2, 3, 4, 5, 6 देखिए ये माइनस 1/2 ये कटेगा, ये और ये कैंसिल होगा और ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये छह टर्म आपका क्या बना देता है, जीरो बना देता है वैल्यू। हमें कितना टर्म तक जाना है भाई, 46 टर्म तक जाना है, 46 टर्म तक। अब बताइए ऐसा छह टर्म वाला कितना होगा, 7 हो जाएगा, 7 × 4 = 42। बचेगा कितना, 4 टर्म ही तो बचेगा, ये 1, 2, 3, 4 ये 4 टर्म बचेगा, ये कैंसिल हो जाएगा। आपका कैलकुलेशन जो आएगा 46 टर्म का 1/3 माइनस 1/4, ये 1/3 माइनस 1/4 दोनों लग हर देखिए 3 है और 4 है, ये 3 और 4 दोनों लगातार संख्या है, तो 3 और 4 का गुणनफल क्या होगा भाई, 12 हो जाएगा, 12 तो एलसीएम तो 12 हो गया। अब हर में घटा दीजिए, 4 में से 3 घट गया, क्या आ गया 1, आपका आंसर हो जाएगा 1/12। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन की ओर चलें। दूसरा क्वेश्चन है 1/2 जोड़ 1/6 जोड़ 1/12 जोड़ 1/20 जोड़ 1/30 जोड़ 1/42 42, इसका क्या होगा। टोटल इसमें टर्म देखिए कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 टोटल 6 टर्म है। यहाँ देखिए 2 को तोड़ेंगे किसमें टूटेगा, 1, 2 में, 20 को 42 को तोड़ना है किसमें टूटेगा, 6, 7 में। देखिए ऊपर में 1/42 है, 42 को ऐसे दो भागों में तोड़ना है, गुना करने पर 42 हो जाए और घटाने पर 1 हो तो 6 और 7। ठीक उसी हिसाब से 2 को ऐसे दो भागों में तोड़ना है, गुना करने पर 2 हो जाए घटाने पर 1 हो तो 2, 1। 6 को तोड़ेंगे 2, 3 में, उसी हिसाब से 12 को तोड़ेंगे 3, 4, 20 को तोड़ेंगे 4, 5, 30 को तोड़ेंगे 5, 6, 42 को तोड़ेंगे 6, 7। फर्स्ट टर्म आपका क्या है 1, लास्ट टर्म क्या है 7, 1 और 7 को गुणा कर दें तो रिजल्ट क्या हो जाएगा 7, आपका आंसर क्या हो जाएगा 6/7, आपका आंसर क्या हो जाएगा 6/7। अब चलिए तीसरा क्वेश्चन की ओर चले, 1/20 जोड़ 1/30 जोड़ 1/42 जोड़ 1/56 जोड़ 1/72 इसमें भी टोटल टर्म देखें 1, 2, 3, 4, 5 टोटल टर्म 5 है, तो आप देखें 5/2 इस 20 को तोड़ना भाई, 4 और 5 में 20 टूटेगा, 4 और 5 में 20 टूटेगा, 72 को तोड़ना भाई, 8 और 9 में 72 टूटेगा, तो फर्स्ट टर्म आपका 4 हुआ, लास्ट टर्म 9 हुआ, 9 को 4 से गुणा कर देंगे 36 हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा क्या 5/36, आपका आंसर आ जाएगा 5/36। आइए अब चौथा क्वेश्चन की, 4 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। इसमें देखिए दिया हुआ है 2, 3, 4, 2। अगर इस सब को हम एक्स मान ले, इस सब को एक्स मान ले, अगर यहां से ये हमें रूट हटाना है तो क्या इधर स्क्वायर नहीं होगा, निश्चित रूप से हो जाएगा, तो ये रूट मेरा यहां से यहां तक क्या हो गया, हट गया, रूट हट गया। अब यहां देखिए यदि यहां पर 3 है, अगर मैं इस साइड घन कर दूं, क्यूब कर दूं, इधर भी तो क्यूब करना होगा, तो मैं इसे एक्स पे पावर 6 बराबर 2 का क्यूब कितना होगा, 8 हो जाएगा। यहां से तो ये घनमूल वाला सिंबल समाप्त, तो बचेगा क्या 4, इसी वैल्यू को तो हमने एक्स माना था, तो गुना एक्स कर देंगे, तो ये देखिए 6x^6 इस साइड गुना एक्स है, 1x कट जाएगा, क्या हो जाएगा x^5 बराबर 2^5, कारण है 8 × 32, 32 का वैल्यू 2^5, तो एक्स बराबर क्या रिजल्ट आ जाएगा आपका 2, एक्स बराबर क्या रिजल्ट हो जाएगा 2, एक्स बराबर 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, √3 × √3 × √3 × √3 × √3 ये सीमित है, यहां तक शांत रहिए। आइए √3 है, यहां रूट में कुछ भी संख्या रहे, रूट में कुछ भी रहे उस पर ध्यान नहीं देना आपको, 2
दुनी चार, दुनी आठ, दुनी सोलह, दुनी बत्तीस, बत्तीस, बत्तीस में से एक घटा देंगे, रिजल्ट क्या होगा? 31/32। लेकिन सर बेस जो होगा मेरा संख्या होगा, आप कहोगे 3 के ऊपर पावर 31/32। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 3 to the power 31/32। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन √3 × √3 × √3 × √3 × √3 × √3 × √3 × √3 × √3 जैसे ही ऐसा क्वेश्चन आए तो इस क्वेश्चन में संख्या ही सदैव मेरा आंसर होगा, इसका आंसर सदैव 3 ही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर, सातवां क्वेश्चन आपका है। सातवां क्वेश्चन √42 √42 + √42 + √42 + … ऐसे क्वेश्चन में करना क्या होता है भाई, 42 को 42 को 42 को ऐसे दो भाग में तोड़ना है, गुणा करने पर 42 हो जाए, घटाने पर एक बचे, तो आपका आंसर होगा 6 और 7 में तोड़ सकते हैं, निश्चित रूप से 6 और 7 में आप तोड़ सकते हैं। 6 को 7 को गुणा कर दीजिए 42, घटा दीजिए एक ही होगा। यहाँ देखिए प्लस है तो बड़ी संख्या आंसर होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा 7, इसका आंसर क्या हो जाएगा 7। अगला क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर, 5 से 6 √5 से 6 √5 से 6 जो डॉट 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 सो। अब बताइए 5 से 6 5 से 6 506 506 किस दो लगातार संख्या का गुणनफल है? हमें तो पता नहीं है, तो करेंगे क्या, दिमाग को जोर, दिमाग के ऊपर जोर डालिए। 5 से 6 से कम, 506 से कम किसका स्क्वायर? 22 का स्क्वायर 484। तो क्या ये 22/23 का गुणनफल नहीं है? निश्चित रूप से ये 22/23 का गुणनफल है, प्लस है, बड़ी संख्या आंसर हो जाएगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा 23, आपका आंसर क्या हो जाएगा 23। ठीक उसी हिसाब से 72 देखिए, 8 और 9 का नहीं है, यहाँ माइनस का सिंबल है, तो छोटी संख्या आंसर, माइनस का सिंबल होने पर छोटी संख्या आंसर आपका 8 आंसर हो जाएगा। 702 से कम किसका स्क्वायर? 26 का स्क्वायर, तो हम कह सकते हैं 26 और 27 का ये मल्टीपल है, तो 26 और ये 27 का मल्टीपल है, यहाँ माइनस है तो छोटी संख्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा 26, यानी 26 इसका आंसर हो जाएगा। ध्यान से एक बार फिर से सुने, गौर से सुने, √42 √42 √42 … हमें ये नहीं पता है ये 42 किस दो लगातार संख्या का गुणनफल है, ऐसी कौन सी दो संख्या को गुणा करेंगे जो गुणनफल 42 आएगा और अंतर एक का आएगा। तो हम सोचते हैं 42 से कम किसका स्क्वायर होता है भाई, 42 से कम 6 का स्क्वायर होता है, तो हम कह सकते हैं 6 और 7 का मल्टीपल 42 होगा, तो 6 और 7 ले लिया, यहाँ प्लस है तो बड़ी संख्या आपका आंसर होगा 7 होगा, यदि यहाँ माइनस होता तो मेरा छोटी संख्या आंसर होता। अगला क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन, y = √9 − √9 − √9 − √9 − √9 अब देखिए 9 का तो टूट नहीं रहा है, तो 9 का जब टूटेगा नहीं तो हम ऐसे में सोच के लिख सकते हैं y = −1 √√1 + 4x/2। x का वैल्यू ये जो है संख्या ये होगा, यानी 9 है तो 9 होगा, x का वैल्यू 9 दिया हुआ है तो 9 लेंगे आप। यहां पर देखिए 1 − √1 + 4 × x की जगह पर 9 रख देंगे √2, तो ये कैलकुलेशन आपका आएगा −1 + √9 को 4 से गुना करेंगे 36 और प्लस 1 है तो 37/2। अब 37 का तो रूट निकालना थोड़ा सा टफ है, तो हम ये सोचते हैं 37 से कम किसका स्क्वायर होता है भाई, 6 का, तो −1 + 6/2 यानी घट के आएगा 5 5/2, रिजल्ट कितना आएगा 2.5। अगर हम 37 का वैल्यू √37 का वैल्यू, तो हमेशा 6 से ऊपर ही होगा, 6 तो होगा नहीं, तो 6 से ऊपर क्या होगा 7 के, 7 में पकड़ते हैं −1 + 7/2, ये घट के 6/2 बराबर कितना 3। हम आंसर में क्या दे सकते हैं, इसका आंसर जो लेंगे आप, आंसर जो होगा वह होगा y का वैल्यू जो आएगा 2.5y का वैल्यू 2.5 से ज्यादा और 3 से कम होगा।
यदि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें।